नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। नीतीश कुमार की पार्टी केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर भी रही है या इस मामले को लेकर सौदेकारी कर रही है, विशेष पैकेज का भी मांग कर रही है। विशेष राज्य में दर्जा के लिए दस्तखत अभियान चलाया गया था, आज यह सौदाकारी का मसला बन गया है। नीतीश कुमार की सरकार केंद्र से विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रही है, मांग कर भी रही है या इस मसले को लेकर सौदागिरी कर रही है। इसके बदले में विशेष पैकेज की भी मांग है। बिहार सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज कुछ शहरों के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट, ताप बिजली प्रोजेक्ट इत्यादि की मांग की है। आंध्र प्रदेश ने 1,00,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मांगा। तेलुगु देशम पार्टी के प्रति केंद्र सरकार मेहरबान हो गई है। आंध्र प्रदेश के लिए आंध्र सरकार को 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा कर दी गई है। यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए कितना मायने रखता है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करके बिहार के शासक और योजनाकार विकास का कैसा खाका बनाना चाहते हैं? नीतीश कुमार ने एक समय 7 निश्चय का ऐलान किया था। इसके बाद एक अलार्म किया था कि सभी खेत को पानी सुनिश्चित करेंगे। आज बिहार के लिए जितनी भी बातें विशेष तौर पर चल रही हैं, उसमें बिहार के किसान नदारद हैं। हर खेत के लिए पानी का संकल्प अब भुला दिया गया है। बिहार के लोगों को आमतौर पर यह मालूम भी नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा पूरे बिहार के विकास के लिए जरूरी है या बिहार के एक खास वर्ग की जरूरत है। जैसे यह पता नहीं है कि सब तरफ नदी, जल संसाधन और सब जगह पर्याप्त पानी के बावजूद बिहार के 60% खेत 3 फसल के लायक सिंचाई सुविधा नहीं रखते हैं। बिहार के औद्योगिकरण की भी कोई बात शोशेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। विशेष राज्य के दर्जे की बात करने की जगह पर बिहार अपने नदी, जल बेसिन के बारे में शोध परक परियोजनाएं बनाकर आए। बिहार को यह समझना होगा कि पैसों का बहुत बड़ा हिस्सा अनावश्यक कई राज्यों में मेट्रो प्रोजेक्ट में लगा है। लोगों को जानना होगा कि मेट्रो प्रोजेक्ट बहुत खर्चीली परियोजना होती है। यह समझना जरूरी होगा कि बिहार के औद्योगिकरण, बिहार की नदियों के बेहतर और कारगर प्रबंधन, बिहार के खेतों के लिए सिंचाई और बिहार के स्वास्थ्य तथा शिक्षा व्यवस्था को उन्नत बनाने के पहले मेट्रो प्रोजेक्ट का स्थान नहीं आता। विशेष पैकेज की जरूरत है तो किस लिए? क्या इसलिए कि बिहार अपने बूते पर प्रतिवर्ष के लगभग 1 करोड़ श्रमिकों के पलायन की मजबूरी के आगे ठोस परियोजना लेकर नहीं आया? आप इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना के लिए धन्यवाद।